प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, कोमलगढ़ दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कोमा ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजस्थान में जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस तरह के पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है? सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरौन? तो इसका सही उत्तर रहेगा जूनागढ़, ऑप्शन बी, ये बीकानेर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, राजस्थान के जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो सही उत्तर रहेगा विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, निम्न में से पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक पृथ्वीराज विजय, एक पृथ्वीराज रासो है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन थे और आप लोग भी आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा जयानक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, किस किले को अकबर का दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि अकबर का दौलत खाना किस किले को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, मैग्नीज दुर्ग। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, राजस्थान में बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, राजस्थान में बनवीर ने किस किले में नौ कोठा मकान या नौलखा भंडार का निर्माण करवाया था? नौ कोठा मकान या नौलखा भंडार जो कि किस किले के अंदर है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका निर्माण करवाया था बनवीर ने, तो इसका सही उत्तर रहेगा चित्तौड़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राजस्थान का वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पे चांदी के गोले दागे थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया कि चांदी के गोले दागने के लिए कौन सा दुर्ग फेमस है या फिर कौन सा किला फेमस है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो वो था चूरू का किला, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, निम्न में से गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक नाम किससे जुड़े हुए, किससे संबंधित है? गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक, ये चारों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आपको ऑप्शन के माध्यम से पूछा जा सकता है। तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, याद कर लेना, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, राजस्थान के किस गढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के कौन से गढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। नाहरगढ़, जयगढ़, लालगढ़ या तारागढ़? तो नाहरगढ़ को, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से चिले का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिले का टीला कौन से दुर्ग को कहा जाता है, किस दुर्ग का उपनाम है? मेहरानगढ़, जयगढ़, अचलगढ़ या कोमलगढ़? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, जयगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान में बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस तरह के सारे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लीजिए, राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। तो सही उत्तर रहेगा राणा कोमा, जिन्होंने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था।
कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। ऐसे माना जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्ग तो अकेले कुंभा ने करवाए थे। देखिए, अगर आपसे जो किले या जो दुर्गों का निर्माण के बारे में पूछा जाए, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ऑप्शन में यही मिलेगा, राणा कुंभा, क्योंकि इन्होंने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई? एशिया की सबसे बड़ी तोप, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि ये कौन से दुर्ग में रखी गई है। तो ये जयगढ़ में रखी गई है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इस दुर्ग जो इस तोप का नाम भी आप देख लीजिए, इस तोप का नाम है जयबाण। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान में बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? राजस्थान के अंदर बादल महल है, जो कि कौन से दुर्ग में है? रणथंबोर, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान में किस पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? राजस्थान की कौन सी पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग है? गिरी सुमेल, गुरु शिखर, बिडली टूंग या चिड़िया टूंग? तो सही उत्तर रहेगा चिड़िया टूंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में वाकई किसने कहा था कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लाइन बहुत फेमस है कि ये लाइन किसने कही थी कि इसका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है, ये बूंदी दुर्ग को लेके कही गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये बात किसने कही थी? तो सही उत्तर रहेगा किपलिंग, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, ये कहाँ से थे? ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने इन्होंने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था। इनकी पुस्तक का नाम भी याद कर लेना, जंगल बुक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट किस दुर्ग को कहा जाता है? राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट पूछा जाए या फिर राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए, तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ बहुत फेमस है, इसका वास्तुकार कौन था? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, दीपा, जीवा, जेता या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर रहेगा जेता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर किसकी मजार बनी हुई है? मीरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में भूरे खां की मजार बनी हुई है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न में से मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव जयसिंह? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, राव जोधा ने करवाया था, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, जोधपुर शासक राव जोधा ने इस किले की नींव डाली और महाराजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया था। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस किले की नींव किसने डाली थी और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, दोनों में बहुत फर्क है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान में गागरौन का किला निम्न में से किस जिले में है? राजस्थान में गागरौन का किला है, जो कि कौन से जिले के अंदर है? झालावाड़, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो जो गागरौन का जो किला है वो है झालावाड़ में, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। गागरौन था, गागरौन का किला है, भारतीय राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक किला है। ये काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्न में से किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट भी कहा जाता है? सोनारगढ़, गागरौन, रणथंभौर या अचलगढ़? तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, गागरौन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान का धातु नगर किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का धातु नगर, जो कि किस सिटी को कहा जाता है? जयपुर, कोटा, बीकानेर या नागौर? तो नागौर को धातु नगर कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान में अजमेर के मैग्नीज दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? राजस्थान का जो अजमेर के अंदर मैग्नीज दुर्ग है बहुत फेमस है, इस दुर्ग का निर्माण जो कि किस शैली में हुआ था?
यूनानी, अफगानी, विग्रह या मुस्लिम? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, मुस्लिम शैली। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में किस दुर्ग पे अधिकार कर लिया था? 1544 में शेरशाह सूरी के द्वारा कौन सी दुर्ग पे अधिकार किया गया था? चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, अचलगढ़ या मेहरानगढ़, बहुत फेमस है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, मेहरानगढ़। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में, आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। राजस्थान में कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ दुर्ग जो कि किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरौन या कोमलगढ़, इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर देना, अगर आपको उत्तर नहीं पता तो भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको रोजाना ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, आपको पूरा राजस्थान जीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराए जाएंगे। जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान जीके के सारे वीडियो देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको जल्द ही राजस्थान करंट अफेयर के वीडियो में मिलने वाले हैं और पिछले एग्जाम में जितने प्रश्न आज तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको कवर करवा देंगे। और आपका किसी भी तरह का डाउट, सुझाव या राय देनी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का सहयोग और सपोर्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।